श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की, अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, श्री रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? दो है ना, तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है हमको उसे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली तो कौन नहीं होगा? कितना कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता देंगे। नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं बिहार के गठबंधन में, सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।